भारत देश नूं ऋषि मुनिया दी धरती कहा जांदा है। इस स्थान ते ऋषि मुनिया ने कई तपस्यावां कीतियां हन अते इह ऋषि मुनि रब दी भगती विच लीन हो के जिथे भी जांदे सन उस थां ते मनुख दी भलाई लई कुछ ना कुछ जरूर करदे सन। अजिहा एक धार्मिक स्थान पठानकोट दे करीब 15 किलोमीटर दूर हल्का सुजानपुर दे बसरूप इलाके विच है। इस स्थान उत्ते पानी दा एक चमत्कारी तालाब है जिथे इशनान करन नाल कई बीमारियां दूर हो जांदियां हन। की है इस तालाब की खासियत जानते हाँ मंदिर के सेवादार की जुबानी। इतने मानता जी इतने बुआ बाबा जी आए थे झिड़ी तो झिड़ी तो आए थे इतने बुआ दादी को प्यास लगी थी तो पानी लैन गए थे कोई किसान तो पानी नहीं मिले उन्होंने फिर बुआ ने अड्डी मार के पानी कढ़िया तो फिर बाद आए थे शाम को पानी लैके वो कहते असं पानी पुनी तो पी लिया अं हरिद्वार चले उ हो गया आवे इतने फिर हरिद्वार हो गया आए थे इतने बैठे बुआ बाबा जी ये बुआ दी बाई बसरू पिंड है जिला पठानकोट बोली च कोई भी श्रद्धा नाल कोई स्नान करे कोई शरीरक रोग हो ठीक हो जाता जी कोई बच्चे बुच्चे नहीं होंगे जनानियों कोई गुप्त रोग होंगे जनानियों ठीक हो जाते ये पंजाब चो आते सारे हाँ मेला लगता जून महीने जी पूर्णमाशी हाँ इतने जंगल से सारा जी इतने हूँ बने थोड़ा चिर होया कोई 15-20 साल होए मंदिर पहले छोटा जहा मंदिर थी पहले हूँ नवा बनवाया हाँ लोग सुखना करते हैं मनोकामना पूरी होंगी लोग भारत देश नूं ऋषि मुनिया दी धरती कहा जांदा है। इस स्थान ते ऋषि मुनिया ने कई तपस्यावां कीतियां हन अते इह ऋषि मुनि रब दी भगती विच लीन हो के जिथे भी जांदे सन उस थां ते मनुख दी भलाई लई कुछ ना कुछ जरूर करदे सन। अजिहा एक धार्मिक स्थान पठानकोट दे करीब 15 किलोमीटर दूर हल्का सुजानपुर दे बसरूप इलाके विच है। इस स्थान उत्ते पानी दा एक चमत्कारी तालाब है जिथे इशनान करन नाल कई बीमारियां दूर हो जांदियां हन। की है इस तालाब की खासियत जानते हाँ मंदिर के सेवादार की जुबानी। इतने मानता जी इतने बुआ बाबा जी आए थे झिड़ी तो आए थे इतने बुआ दादी को प्यास लगी थी तो पानी लैन गए थे कोई किसान तो पानी नहीं मिले उन्होंने फिर बुआ ने अड्डी मार के पानी कढ़िया तो फिर बाद आए थे शाम को पानी लैके वो कहते असं पानी पुनी तो पी लिया अं हरिद्वार चले उ हो गया आवे इतने फिर हरिद्वार हो गया आए थे वो इतने बैठे बुआ बाबा जी ये बुआ दी बाई बसरू पिंड है जिला पठानकोट बोली च कोई भी श्रद्धा नाल कोई स्नान करे कोई शरीरक रोग हो ठीक हो जाता जी कोई बच्चे बुच्चे नहीं होंगे जनानियों कोई गुप्त रोग होंगे जनानियों ठीक हो जाते ये पंजाब चो आते सारे हाँ मेला लगता जून महीने जी पूर्णमाशी हाँ इतने जंगल से सारा जी इतने हूँ बने थोड़ा चिर होया कोई 15-20 साल होए मंदिर पहले छोटा जहा मंदिर थी पहले हूँ नवा बनवाया हाँ लोग सुखना करते हैं मनोकामना पूरी होंगी लोगों की।